चंपावत जनपद के बनबसा भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में पुलिस टीम के हाथ लगी बड़ी सफलता। नेपाल से तस्करी कर भारत लाई गई 25 किलो से ज्यादा चरस के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 50 लाख के आसपास आंकी जा रही है। टनकपुर चंपावत राजमार्ग पर कमलपथ के पास एक होंडा सिटी कार UK07AY1771 को चेकिंग हेतु रोका गया। चेकिंग के दौरान कार की चेसिस के नीचे बने मॉडिफाइड कैबिन में 16 पारदर्शी पन्नियों के बंडल के रूप में 15 किलो 747 ग्राम एवं कार में ही रखे एक अन्य बैग में 9 किलो 940 ग्राम चरस बरामद हुई। कार में सवार दोनों व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार किया। ये चरस अनेक मित्र नेपाली तस्करों के द्वारा उनको दी गई थी, जिसे उन्हें बदायूं ले जाना था, जहां इस चरस को बेचकर वो मोटी कमाई करने वाले थे। तो भारत समाचार से अशोक सरकार की रिपोर्ट। एक गाड़ी के नीचे की तरह मॉडिफाइड करके चरस जो है 25 किलो 25.5 किलो लगभग चरस पकड़ी गई, जिसका अंतर्राष्ट्रीय 50 लाख कीमत है। तो इनको पकड़ने में हमारी टीम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया हमारे SP महोदय के निर्देश से, और आगे भी इस तरह के अभियान चलते रहेंगे, जिससे इस नशाखोरी से हम अपने समाज को बचा सकें।